इसी साल यूएस पोलो ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूर्व विश्व सुंदरी और फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ मॉडलिंग कर माया नगरी मुंबई में धूम मचाने वाली शहर की हेजल सापरा ने पिंक सिटी जयपुर में हुए किड्स एशिया 2019 की विजेता बनकर मिस किड यूनाइटेड यूनिवर्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये गौरव हासिल करने वाली हेजल पंजाब की पहली बेटी है। इसके साथ ही प्रतियोगिता का आयोजन करने वाली वीवी इंटरनेशनल संस्था ने हेजल को पंजाब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 5 साल की हेजल सपरा ने पिंक सिटी जयपुर में किड्स टीन मिस्टर एंड मिसेस एशिया 2019 में किड्स वर्ग में विजेता बनकर अपने टैलेंट की धूम मचाई है। हाँ जी, अज असीं इत्थे सारे इकट्ठे होए हेजल नूं ऑनर करन लई। हेजल ने मोगा दा नाम रोशन कीता। जिवें कि आपां सारे जानदे हैं कि मोगा शहर च सोनू सूद जिहड़े हैगे उन्होंने पूरी दुनिया च अपना नाम रोशन कीता है, ते मन लगदा हेजल भी उवें ही उन्हां दे पिछे कदमां च चल रही है। हेजल ने हाल ही सुष्मिता सेन दे नाल उन्हूं मौका मिला बॉलीवुड दे विच, शो ऑफ क्लिक्स दे विच उन्हें विन किया। हुण रीसेंटली जयपुर दे विच भी जिवें शो होया उहदे विच भी हेजल ने विन किया, और मैं लड़की नूं परसनली परफॉर्म करदे देखिया है, तो जो इहदा कॉन्फिडेंस हैगा उह बहुत ही अच्छा है। और जद सोनू सूद जी नूं मिली सी ते इहदा जिहड़ा कॉन्फिडेंस सीगा उह मैं देख के बहुत हैरान सी, क्योंकि इन्ना छोटा बच्चा इन्नी छोटी जी एज दे विच कॉन्फिडेंस लियाना और इन्ने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत ही मायने रखता है। मैंने कभी नहीं सोचा था हम वहाँ पर कॉम्पिटिशन में चले गए। हम तो यही सोच के जाते हैं चलो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे को नॉलेज मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब ये वहाँ पे कोरियोग्राफर जो इसको मॉडलिंग सिखाते थे, तो कोरियोग्राफर ने इसको कहा कि आप और बच्चों को डांस सिखाओ। इसका डांस देख के वो इतने इम्प्रेस हुए। अभी तो ये 5 साल की है, इतनी छोटी उम्र है, अब इसने ज़िंदगी का एक पड़ाव स्टार्ट किया है। इसका जब फर्स्ट बर्थडे था 5 साल का, 5 साल की उम्र में इसने मॉडलिंग करना तब स्टार्ट किया था। तो हर एक लेवल पे, जिस भी लेवल पे ये करिए, इसने अचीवमेंट्स किया और विनर ही बन के आई है। सुष्मिता मैम के साथ इसने फोटोशूट किया, सोनू सर को ये मिली, और वहाँ पे भी वो वहाँ के बॉलीवुड एक्टर और जयपुर के एक फेमस स्टार वहाँ पे आए थे, उन्होंने भी हेजल के साथ फ़ोटो करवाई। उनको भी हेजल को देख के बड़े वो सरप्राइज हुआ, और उन्होंने कहा कि ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है, तो मैं इसको अपनी बेटी नहीं कहूँगी, इसको ये भगवान का ही बच्चा है हमारे लिए, जो आके हमारे सपनों को भी पूरा कर दिया और अपने सपनों को। तो अब इसके तो क्या सपने, ये तो इसके अंदर का टैलेंट है तो जो हमारे पूरे हो रहे हैं। तो मैं भगवान को थैंक्स बोलती हूँ और आप सभी को जो इसको आप इतना ऑनर करते हो। हेजल की माँ मानवी सपरा ने बताया कि प्रतियोगिता बेहद कठिन थी, लेकिन हेजल ने प्रतियोगिता शुरू होने के पहले दिन से ही अपने नृत्य और रैंप वॉक से जूरी ही नहीं बल्कि दर्शकों का भी दिल जीत लिया था। यहां तक कि ग्रैंड फिनाले आते आते खुद दूसरे बच्चों के माँ बाप कहने लगे थे कि किड्स का ताज तो हेजल के सर ही आना है। परिणाम आया तो वही हुआ, हेजल के ग्रुप में एशिया की चैंपियन बनी। बेस्ट वॉक का प्राइज भी हेजल के ही नाम रहा। इस दोहरी सफलता के साथ हेजल अपने घर वापस लौटी तो परिवार ने भी एक सेलिब्रिटी के रूप में उसको सम्मान दिया। पूरे घर को बड़े ही मनमोहक ढंग से सजाया गया। हेजल के पिता संजीव सपरा और माँ मानवी सपरा ने बताया कि हेजल में ये प्रतिभा जन्म से है। सही मायने में उसकी ट्रेनिंग तो अब शुरू कराई है। बचपन से तो वो डांस करना, रैंप वॉक करना सिर्फ टीवी और मोबाइल से देख कर सीखी है। आज भी टीवी के सामने खड़े होकर घंटों डांस खुद करती है, उसे कोई प्रेरित नहीं करता, यही उसकी वास्तविक कला है। न्यूज़ डेस्क।